हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नंबर थ्री ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर सो आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में सो so आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेजर ऑपरेशंस परफॉर्मड ऑन डाटा स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके या फिर डाटा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या मेजर फंक्शंस -क्या, क्या क्या मेजर ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं आज के क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है डाटा स्ट्रक्चर एक एल्गोरिदम है या फिर एक टेक्निक है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर में डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करके रखते हैं तो डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करके रखने की मेन मोटिव या फिर मेन इंटेंशन क्या है डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करके रखने की मेन मोटिव यह है कि उन डाटास को लेके जब भी हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें सो फास्टर स्पीड में कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके इसीलिए हम डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करके रखते हैं बाय यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर सो डाटा स्ट्रक्चर यूज करके हम डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करके रखते हैं क्योंकि उन डाटा को यूज करके हम कुछ मेजर ऑपरेशन मेजर फॉन्क्शन फ्यूचर में परफॉर्म कर सके सो so आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि क्या क्या मेजर फंक्शन क्या क्या मेजर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके अरेंज कर

Traversing the data structure means एक Particular data structure में हम traversing operation perform करेंगे इसका मतलब क्या है visiting each element of the data structure in order to perform some specific operation like searching, sorting etc. Traversing मतलब क्या? Traversing means एक Particular data structures में हमने जितने भी data elements को store करके रखा है हर एक data element को हम क्या करेंगे access करेंगे किसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चाहे वो सर्चिंग वाला ऑपरेशन हो सॉर्टिंग वाला ऑपरेशन हो किसी भी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम हर एक डाटा को वन बाई वन जो एक्सेस करते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रावर्सिंग ओके okay, एक एग्जाम्पल लेते हैं इस टॉपिक को इजिली समझने के लिए ट्रावर्सिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज ऑफ द्स बाई स्टूडेंट एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है मुझे उसका एवरेज मार्क कैलकुलेट करना है जो की छह अलग अलग सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एवरेज मार्क निकालना है तो वहां पे मुझे एरे यूज करके मैंने जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का छह मार्क्स को स्टोर किया है हर एक मार्क को मुझे वन बाय वन वहां पे एक्सेस करना पड़ेगा वन बाय वन हो हर एक मार्क को एक्सेस करने के बाद उसका टोटल सम कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल सम कैलकुलेट करने के बाद उसको डिवाइडेड बाय सिक्स करना पड़ेगा तब जाके मुझे एवरेज वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा वन बाय वन एरे में स्टोर किया गया हर एक डाटा एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ा तो वन बाय वन हर एक डाटा एलिमेंट को एक्सेस करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रावर्सिंग ट्रावर्सिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज अ प्रोसेस यूजिंग विच वी कैन एक्सेस और वी कैन स्पेसिफाई और वी कैन एक्सेस द डाटा एलिमेंट प्रेजेंट इन ए डाटा स्ट्रक्चर वन बाय वन एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर में जितने भी डाटा है सारे उस प्रोसेस को बोलते हैं डाटा में फंक्शन uh, या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंसर्शन इंसर्शन किस तरह का ऑपरेशन है इंसर्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द एलिमेंट्स टू द डाटा स्ट्रक्चर एट एनी लोकेशन एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी कुछ डाटा है तो वहां पे अगर मैं कुछ नया डाटा ऐड करना चाहता हूँ तो नया डाटा ऐड करने के प्रोसेस को नया डाटा ऐड करने वाले को हम क्या बोलते हैं इंसर्शन इंसर्शन ऑपरेशन और फंक्शन ओके सो एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर में हम मैक्सिमम कितना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं अगर मैंने एक डाटा स्ट्रक्चर का साइज लिया है एन तो वो हमें अलाउ करेगा एन माइनस वन नंबर ऑफ डाटा इंसर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर में उसके बाद आते हैं और एक तरह के मेजर फंक्शन के बारे में जिसका नाम है डिलीशन डिलीशन ऑपरेशन यूज करके हम किस तरह के फंक्शन किस तरह के ऑपरेशन एक डाटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिलीशन एक डाटा स्ट्रक्चर में अगर मल्टीपल नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट को रिमूव करने अगर मैं रिमूव करना चाहता हूं कोई भी पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिलीशन ओके सो बाय यूजिंग डिलीशन प्रोसेस बाय यूजिंग डिलीशन फंक्शन वी कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर एट एनी रैंडम लोकेशन कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन से डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डाटा एलिमेंट है कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिलीशन ओके सो सपोज एक डाटा स्ट्रक्चर है जहां पे कुछ भी डाटा नहीं है एक एम्प्टी डाटा स्ट्रक्चर है तो एक एम्प्टी डाटा स्ट्रक्चर से अगर डाटा डिलीट करना चाहेंगे तो वहां पर okay. एक डाटा स्ट्रक्चर एम्पी है जहां पे कुछ भी डाटा नहीं है वहां पे अगर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा अंडर मतलब डाटा है ही नहीं तो वो डिलीट क्या करेगा ओके okay. उसके बाद आते हैं और एक तरह के मेजर फंक्शन के बारे में जिसका नाम है सर्चिंग सर्चिंग ऑपरेशन का काम क्या है एक डाटा स्ट्रक्चर में अगर हमने मल्टीपल नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट स्टोर करके रखा है उनमें से कोई एक पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट को अगर हम सर्च करना चाहते हैं फाइंड करना चाहते हैं तो जिस प्रोसेस के थ्रू एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर से कोई भी एक डाटा एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्चिंग ओके द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट विद इन द डाटा स्ट्रक्चर एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट के लोकेशन को फाइंड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर्चिंग ओके तो डाटा डाटा सर्च करने के लिए एक स्ट्रक्चर में हम मेनली दो तरह के मेथड्स यूज करते हैं एक लिनियर डाटा सर्च और एक बाइनरी डाटा सर्च जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजर फंक्शन इज सॉर्टिंग

प्रॉपर वे में अरेंज करके रख सकते हैं उस को को हम हम क्या क्या बोलते हैं हैं तो डाटा और descending order में क्या कर सकते सॉर्टिंग करके या फिर arrange करके रख सकते हैं या फिर सॉर्टिंग फंक्शन यूज करके ओके तो सॉर्टिंग करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज कर सकते हैं जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट ट ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग एलगोरिटिंग ऑपरेशन एलिटाटा है Then, और क्या और क्या हम कर सकते हैं? एक डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर किया गया डाटा एलिमेंट्स को लेकर मर्जिंग मर्जिंग मतलब क्या मर्ज करना मर्ज करना मतलब दो अलग अलग चीजों को कंबाइन करके उसको सिंगल एक एलिमेंट के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है M, and B का है N. ओके, तो यहाँ पे सपोज दोनों लिस्ट को ऐड करना है और एक नया लिस्ट बनाना है जिस लिस्ट का नाम है लिस्ट सी और जिसका साइज कितना होगा एम प्लस एन तो वहां पे दो अलग अलग लिस्ट जो की दो अलग अलग साइजेस के हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस तरह के ऑपरेशंस जिस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उस तरह के ऑपरेशंस उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं मर्जिंग बट मर्जिंग प्रोसेस या फिर मर्जिंग फंक्शन यूज करके हम किस तरह के एलिमेंट्स किस तरह के डाटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एड कर सकते हैं जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर में सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसी तरह के ही डाटा स्ट्रक्चर के डाटा एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम सिंगल डाटा स्ट्रक्चर या फिर सिंगल लिस्ट के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मर्जिंग प्रोसेस के द्वारा या फिर मर्जिंग फंक्शन के द्वारा क्या लिखा है When list, जब दो एक लिस्ट ए एक लिस्ट बी जिसका साइज रेस्पेक्टिवली एम एंड एन है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं मतलब लिस्ट तो है, कितना होगा एम प्लस एन फर्स्ट लिस्ट का साइज था एम सेकेंड लिस्ट का साइज था एन तो अगर नया लिस्ट बना रहे हैं दोनों लिस्ट को मर्ज करके तो वहां पे उस लिस्ट का साइज क्या होगा एम प्लस एन तो जिस प्रोसेस के थ्रू दो लिस्ट को मर्ज करके सिंगल लिस्ट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मर्जिंग ओके सो अब तक हमने डिस्कस किया क्या क्या मेजर फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मेजर फंक्शन इज ट्रावर्सिंग ट्रावरसिंग एक ऐसा प्रोसेस है एक ऐसा फंक्शन है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं सारे डाटा एलिमेंट्स को विजिट कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं और डाटा को एक्सेस करके सर्चिंग सॉर्टिंग ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फिर हमने पढ़ा इंसर्शन इंसर्शन ऑपरेशन यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं डाटा इंसर्ट कर सकते हैं एक एक डाटा स्ट्रक्चर में कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन में फिर हमने पढ़ा डिलीशन डिलीशन ऑपरेशन यूज करके हम एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर के कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन के डाटा एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं फिर हमने पढ़ा सर्चिंग सर्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर में फिर हमने पढ़ा सॉर्टिंग सॉर्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर में जितने भी डाटा मेंबर्स हैं सारे डाटा मेंबर्स को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है फिर हमने पढ़ा मर्जिंग तो मर्जिंग एक ऐसा फंक्शन या फिर ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं मोर देन वन सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट वाले लिस्ट को सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट वाले स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके उसको सिंगल एलिमेंट या फिर सिंगल लिस्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मर्जिंग तो आज के क्लास में हमने देखा कि डाटा स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद डाटा स्ट्रक्चर्स में जो डाटा है जो डाटा एलिमेंट्स हैं उन डाटा एलिमेंट्स को लेके हम किस किस तरह के मेजर फंक्शंस और मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया वो आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू